नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का हाल तो बहुत बुरा है ना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसी के बीच जो कॉरपोरेट है, जो बड़े पूंजीपति है, जो धन्ना सेठ है, उनका फायदा और भी ज्यादा हुआ है, उनका इनकम और भी बढ़ गया है। यानी इकोनॉमी है पस्त लेकिन धन्ना सेठ है मस्त। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा कि हमारे देश में औसतन आम नागरिक का औसतन जीडीपी कितना था, और मैं ये लेटेस्ट जीडीपी का जो डेटा है अप्रैल से जून 2021 का, उसका कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए मैं 2017 से स्टार्ट करूंगा। याद रखिए, ये तिमाही जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी है, और ये 2017-18-19 का हम कंपेयर करेंगे। सो 2017 में हमारा जो जीडीपी था वो लगभग 24,200 के आसपास था, 24,200 के आसपास प्रति व्यक्ति जीडीपी, ठीक है। वो जब हम एक साल बाद 2018 में देखें तो वो बढ़कर 25,750 औसतन, 2019 में वो और भी बढ़कर लगभग 27,000 के आसपास, 26,900। उसके बाद हम जाते हैं, धड़ाम से गिरा जीडीपी क्योंकि कोविड आया और लॉकडाउन हुआ अप्रैल से जून के बीच पूरे देश में देर तक 2020 में, तो वो गिरकर सिर्फ 20,000 के आसपास आ गया, 20,000 से थोड़ा ज़्यादा, 20,100। 2021 में क्या हुआ, 2021 में हमें बताया गया वाह पटरी पर वापस आ गई है इकोनॉमी, अब तो तेज़ी से बढ़ रही। जी नहीं, 23,900 औसतन प्रति व्यक्ति हमारे देश की जीडीपी है 2021 में। तो इसका मतलब है कि 2017 से भी नीचे हम प्रति व्यक्ति जीडीपी में चले गए हैं। लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा 2017 और 2021 का कंपैरिजन है, प्रति व्यक्ति जीडीपी तो नीचे गया है, ठीक है, लेकिन क्या इसका असर गरीब और अमीर पर सेम टाइप का हुआ है? क्या गरीब और अमीर दोनों एक साथ ही गरीब हुए? जी नहीं। इसको समझाने के लिए मैं CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, 4,300 कंपनियों का डेटा है, उसको लेकर आपके सामने पेश करता हूं। तो मैं 2019 के अप्रैल जून के बीच का जो कंपनियों का बिक्री इनकम वगैरह है उसका कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि जीडीपी का डेटा यही तिमाही का हमारे पास आया है, और इसको 2021 के साथ कंपेयर करूंगा कि वो जो गिरा था कोविड के चलते उसको उसके साथ कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। खैर, कंपेयर करते हैं। तो सभी को जीडीपी को मैं 100 ले लेता हूं, जो बिक्री हुई है 2019 में उसको भी 100 ले लेता हूं, जो वेतन वगैरह मजदूरी दी गई है उसको भी 100 ले लेता हूं, और कॉरपोरेट का जो मुनाफा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको भी 100 ले लेता हूं। ये 2019 का है। जीडीपी का क्या हाल हुआ 2021 में? 100 अगर हमारा जीडीपी था 2019 में, वो गिरकर 91 पे चली गई है, यानी कि 91। याद रखिएगा, आगे का जो सेल्स, जो वेजेस यानी वेतन का डेटा है या प्रॉफिट का डेटा है, इस सब से मैंने महंगाई दर हटा दिया, इसलिए इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कहा जा रहा है, क्योंकि जीडीपी का जो डेटा हम लेते हैं वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, सो महंगाई दर हटा दिया जाता है। तो सेल्स को अगर मैं देखूँ, वो भी उसी तरीके से गिरा है जैसे जीडीपी गिरा है, उसी तरीके से बिक्री भी कम हुई है, 92 पे उतर आया है, 92 पे उतर आया है सेल्स। वेतन का क्या हुआ? वेतन थोड़ा सा बढ़ा है दो साल में, 2.5%, सैलरी और वेजेस 2.5% बढ़ा है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जिनका बढ़ा है वो बड़े बड़े मैनेजर लोगों का बढ़ा है, CEO CFO इनका बढ़ा है, जो नीचे के लोग हैं ज़्यादातर उनकी छुट्टी हो गई है या उनका पे कट हुआ है, तो इसमें भी छिपा हुआ है, असलियत इसमें सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा बोनस मिला है वो बड़े बड़े मैनेजर लोगों को मिला है। खैर, और अगर हम अब देखें कि प्रॉफिट का क्या हुआ, मुनाफे का क्या हुआ 2021 में, मैं बता रहा था वेतन 2.5% बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है 38%, 100 जो था वो 138 पर चला गया 2019 से 2021 के बीच, यानी जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनका प्रॉफिट 38% बढ़ा है महंगाई दर हटाकर, और जो काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो वेतन लेकर काम करते हैं वहां पे, उनका कुल 2.5% बढ़ रहा है। आप साफ देख रहे हैं ना कि अमीर गरीब में फासला कैसे बढ़ा है 2019 और 2021 के बीच। उसी तरीके से अगर हम देखें, हम कंपेयर करके देखें कि एक कंपनी का वेतन पर कितना खर्चा है और कुल उनका प्रॉफिट कितना आया है, इसको हम रेशियो देख लेते। अगर 2019 में हम कहें कि 100 रुपये मुनाफा किसी कंपनी को हो रहा था,
तो वो 94 रुपए, ये अप्रैल से जून के बीच Q1 Q1 94 रुपए वो वेतन और सैलरी, मजदूरी और वेतन में दे रही थी। 2021 में क्या हुआ, 100 रुपए फिर से ले रहा हूं, प्रति 100 रुपए प्रॉफिट अगर जो कंपनी के मालिक है उनके हाथ में गया है, मुनाफा गया है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको सिर्फ 76 रुपए मिले हैं। फिर से आप देख रहे हैं किस तरीके से काम करने वाले कामगार लोगों का के हाथ में आए कम हो गया है, जो मालिक लोग हैं, धन्ना सेठ है, उनका और भी जो आय बढ़ गया है। आज का एपिसोड यहीं तक, इकोनॉमी पस्त, धन्ना सेठ है मस्त। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपकी नौकरी जाएगी, आपका पे कट होगा, आप बैठकर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान देखते रहिए, अगर आप आवाज़ उठाएं तो इसका कुछ हो सकता है। खैर, न्यूज़ क्लिक देखते रहिए और हमें शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। Thank you.